मुंबई पत्रकार भवन में इलेक्ट्रो होम्योपैथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित विशेष कैंसर और पुरानी बीमारी की कैसे उपचार किया जाए इस विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इलेक्ट्रो होम्योपैथ भारत वर्ष में पांचवी चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्य है, विशेषकर राजस्थान सरकार द्वारा इस पैथी को मान्यता मिल गई है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर सूर्यनाथ पांडे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस विषय के बारे में बताने के लिए मुख्य वक्ता राजकुमार हासिजा, कुलदीप सिंह मोगा, शशिकांत पाटिल, मिलिंद पांडे, गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर डॉक्टर एस एन हुसैन, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार, इस कार्यक्रम के आयोजक महेश कुरले जी रहे। डॉक्टर प्रदीप तिवारी, डॉक्टर रणधीर शर्मा, डॉक्टर रमेश यादव, डॉक्टर बीजे पाटिल, डॉक्टर री एस गुप्ता, कार्यक्रम के संचालक प्रभाकर विश्वकर्मा। इस कार्यक्रम को महाराष्ट्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया था। संस्था की प्रथम वर्षगांठ के रूप में आयोजित किया गया था। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता मिल गई है। महाराष्ट्र में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति की राजस्थान की तर्ज पर मान्यता देने की उठी मांग है। वहाँ से पब्लिक जो है संपर्क करके हमारे इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर से वो दवाओं को उपयोग करे और कैंसर से मुक्ति पाए, ये हमारा उद्देश्य था आज का। जितनी क्रॉनिक दवाएं हैं, जो पुरानी बीमारी जिनको आप कह सकते हो, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, एचआईवी है, थायराइड है, कैंसर है, इस तरह की तमाम जो है बीमारियां जो पुरानी है, जो बाकी पैथियों से ठीक नहीं हो रही है, जिसको डॉक्टर एक टाइम आने के बाद जवाब दे देता है कि अभी ठीक नहीं होगा, ऐसे लोग भी अगर हमें मिलते हैं तो हम उनको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरा जत्था का पेपर आपके सामने है, कोकिलाबेन का लेटर आपके हाथ में है, जो ये प्रमाणित करता है कि हमारी दवाएं ऐसे रोगों पे काम बड़ी तेजी से कर रही हैं जो लाइलाज है दुनिया की नज़र में। बिल्कुल नहीं, हमारी दवाई में कोई केमिकल नहीं, 114 प्लांट है, उनका कोएबेशन प्रोसेस से उनका रस निकाला जाता है, उसी को हम लोग उपयोग में लाते हैं। चूंकि प्रैक्टिशनर हमारे लाखों में है, लगभग 5 लाख के आसपास पूरे हिंदुस्तान में प्रैक्टिशनर है, तो आप इलाज तो करोड़ों लोगों को मिल चुका है जिसके रिकॉर्ड्स हैं। खाली राजस्थान में हमने जो है 12,000 के ऊपर रिकॉर्ड दिया है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमने लेटर दिया 12,000 पेशेंट का कि भाई इसमें इंक्वायरी करो, हमने ठीक किया है पूरे देश से इकट्ठा करके। हर स्टेट में हमारे डॉक्टर हैं और हमने इलेक्ट्रोपैथी फाउंडेशन इसीलिए बनाया है, 21 स्टेट में हमारी ब्रांच है और वहाँ के लोग लगे हुए हैं, जिनसे हम लगातार डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ के CMO के पास जमा करवा रहे हैं, DHO के पास जमा करवा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा करवा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करवा रहे हैं, लगातार ये प्रोसीजर हमारा चल रहा है। काम तो हम लोग 200 साल से यहाँ कर रहे हैं और लगभग 100 साल इस पैथी को हुआ है। पिछले 3 साल पहले जब 2015 में हम लोग आजाद मैदान जंतर मंतर में गए तो वहाँ पे पत्रकारों ने यही पूछा कि आप लोग इतना दिन तो जंतर मंतर में नहीं आए, तो हमने कहा कि हमें मालूम नहीं था कि इसके लिए हमें दवाखाना छोड़ के जंतर मंतर में धरना देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई नेता तो है नहीं, हमें मालूम ही नहीं कि पॉलिटिक्स क्या होती है। आज भी प्रेस रिलीज उठा के देख लीजिए, हमें लिखने नहीं आता है, लेकिन प्रूफ हमारे पास सब कुछ है और यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक तरह से आप उनको वैज्ञानिक मान सकते हैं, एकदम एक्सपर्ट, अपनी पूरी जिंदगी इसमें गवा रहे हैं कि हम लोगों को ठीक करें, लोगों के रोग को ठीक करें। हमने लगभग 12,000 के आसपास लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है और यहाँ पे लगभग सारे डॉक्टर के पास ये लिस्ट है, बहुत अनलिमिटेड लिस्ट है। प्रभाकर विश्वकर्मा जी के यहीं पे थे, प्रभाकर विश्वकर्मा जी के दवाखाने में तो लगभग एक टेम्पो पेपर होगा जो संभाल के रखेंगे, किसी दिन गवर्नमेंट पूछेगी और मैं दे दूंगा, बेचारे लगता है वो चूहे हुए खा जाएंगे, चूंकि लोग लेना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते, इसलिए हमने आपका सहारा लिया है। HIV है, कैंसर है, हेपेटाइटिस है, थायराइड है, मतलब जितनी लाइलाज बीमारियां आपकी नज़र में होंगी। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने स्कर्वी का जिक्र किया कि चला गया, तो शायद अगर ये लोग ध्यान दें, हमें प्रमोट करें, तो हम कैंसर मुक्त भारत कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है सरकार के समर्थन का, हमारे बारे में एक्ट बनाने का। डायबिटीज मुक्त भी हो सकता है जी, डायबिटीज भी बहुत अच्छा जो है रिजल्ट है। सर आपने रिकग्निशन के बारे में पूछा, तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम मांग ही कर सकते हैं ना, रिकग्नाइज नहीं होने के पीछे आपको बताया कि जो है मॉडर्न मेडिसिन की लॉबी है जो होने नहीं देती है, और हम लोग इतने पैसे वाले नहीं है कि हम लोग कुछ भी करके करें, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, मीडिया से लेकर के बाकी जो भी फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इसके जरिए हम लोग पूरा अवेयरनेस कर रहे हैं कि भाई हम लोग जो है तमाम मरीज को ठीक कर रहे हैं और इसको रिकग्नाइज किया जाए, और हम पूरी कोशिश में है कि हम लोग बिल लाएं, लेकिन बिल का प्रक्रिया शायद आपको मालूम होगा क्या प्रक्रिया है, उसमें हमें MP चाहिए, MLA चाहिए, विधायक चाहिए, मंत्री चाहिए, जो बड़े मुश्किल से हम लोग मिल पाते, मिल भी नहीं पाते हैं, तो हम लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं कि जो उनको समझा सके। कि अभी आज ही आपने देखा पारिकर साहब जो है पैनक्रियाटिक कैंसर से एक्सपायर हुए हैं और आपके सामने प्रूफ है पैनक्रियाटिक कैंसर का, पेशेंट भी यहीं पे अभी शायद अगर गए नहीं होंगे तो यहीं पे होंगे, जिनको आपने लाइव ही देखा वो पेशेंट भी उसी के हैं,
जो आज अभी यहाँ पे हमारे साथ हैं, और जबकि उसी कैंसर के मरीज से आज वो चले गए, जबकि देश के मिनिस्टर थे, इतने अच्छे नेता थे। उसकी मान्यता प्रदान करने के लिए हमारे पास एक लेटर भी है, गवर्नमेंट का लेटर है, जिसके लिए बोर्ड की नियुक्ति भी कर दी गई है और उसको जो है पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान हो गई है, और मान्यता प्रदान होने के बाद राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर भी हो चुके हैं और उसके साथ बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है। उस बोर्ड का नाम रखा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उसका गठन कर दिया गया है, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर केपी सेठिया सर को अध्यक्ष बनाया गया है और रजिस्ट्रार डॉक्टर साहब को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र, मुंबई।